हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी आई पर दोस्तों लैब टेक्नीशियन एम्स की क्वेश्चन सीरीज में आज हम देखेंगे टेन मोस्ट इम्पोर्टेंट लैब एम्स क्यू क्वेश्चनों को तो दोस्तों ये हम आपको बता दें हमारे जो लैब टेक्नीशियन एम्स क्वेश्चन सीरीज की ये थर्टी थ्री वीडियो है दोस्तों इससे पहले थर्टी टू वीडियो हम दोस्तों कम्प्लीट करा चुके हैं जो आप हमारे चैनल प्लस स्टडी आई क्यू की प्ले लिस्ट के क्वेश्चन सीरीज में जाके आप देख सकते हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो आज का हमारा क्वेश्चन है नाम दी स्ट्रक्चर, एनालॉग और विटामिन के बिच इज यूज अस एंटीकोगोलेट तो दोस्तों यहाँ पे विटामिन के के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको स्ट्रक्चर में एक एनालॉग बताना है जो आ, क्लोटिंग यहाँ पे आ, क्लोटिंग के लिए यूज होता है तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन है वारफेरिन और बी ऑप्शन है पे टोकोफिनोल और सी ऑप्शन है पे एर्गो कैल्सीफेरोल और यहाँ पे डी ऑप्शन है बी कैरोटेन तो दोस्तों जो विटामिन के के स्ट्रक्चर में एक एनालॉग यूज होता है जो क्या करता है आ, थक्का रोधी में यूज किया जाता है वो है दोस्तों वारफेरिन। आपको यहाँ पे याद रखना होगा वारफेरिन विटामिन के के स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के लिए यूज होने वाला एक एनालॉग है जो क्या एंटीकॉगलेंट की तरह दोस्तों यूज किया जाता है यानी ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिलिंदा ब्लैंक इज़ नॉट ए सेलाइब्री ग्लैंड तो दोस्तों यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से कोई एक सेलाइब्रे ग्लैंड नहीं है वो बताना है तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों ए ऑप्शन है सब मैंडिबुलर ग्लैंड बी ऑप्शन है सब लिंगुअल ग्लैंड और सी ऑप्शन है पैरोटिड ग्लैंड और डी ऑप्शन है थायरॉय ग्लैंड तो दोस्तों यहाँ पे जो सेलाइबरी ग्लैंड दोस्तों यहाँ पे सब मैंडुबुलर ग्लैंड भी है सब लिंग ग्लैंड भी सेलाइबरी ग्लैंड है एक और पेरोट्रेड ग्लैंड भी दोस्तों सेलाइबरी ग्लैंड है लेकिन थाइरॉयड ग्लैंड दोस्तों यहाँ पे सेलाइबरी ग्लैंड नहीं है एक थाइरयडी ग्लैंड है दोस्तों यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है दोस्तों नॉट कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन मैथड इज यूज फॉर डेमोस्ट्रेशन तो दोस्तों यहाँ पे एक नॉट कंसंट्रेशन मेथड है जो कौन से यहाँ पे यूज की जाती है डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए किसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं ये पूछा गया है तो ऑप्शन है ए है मलेरिया पैरासाइट इन ब्लड फिल्म के लिए या माइक्रोफेलरिया इन पेरीफेर ब्लड फिल्म के लिए या लीसमेनिया डोनोबानी इन बॉर्नमेरो के लिए या फिर दोस्तों हम यूज करते हैं ट्रेपनो सोमा क्रूजी इन ब्लड फिल्म के लिए तो दोस्तों एक नॉट कंसनट्रेशन मेथड है जो यूज होती है किसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तो ये होती है दोस्तों माइक्रोफिलेरिया पेरिफेरल ब्लड फिल्म के लिए हम यूज करते हैं इसका तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फोर्थ वाला बिच बायो केमिकल टेस्ट इज डन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ निमो यहाँ पे सीडोमोनास नैसेरिया एंड बिब्रियो ग्रुप एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों बिच बायोकेमिकल टेस्ट इज डन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीडोमोनास नैसेरिया एंड बिब्रियो ग्रुप तो दोस्तों आपको एक बायोकेमिकल टेस्ट यहाँ पे पूछा गया है जो सूडोमोनास नेसेरिया और बिब्रियो ग्रुप को लिए यहाँ पे यूज करते हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं ग्लूकोनेट टेस्ट या बी ऑप्शन है ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन टेस्ट और सी ऑप्शन है यूरिएज टेस्ट और डी ऑप्शन है ऑक्सीडेट टेस्ट तो दोस्तों हम जो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो सीडोमोनास के लिए और नेसेरिया और बिब्रियो ग्रुप के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम बायोकेमिकल टेस्ट यूज़ करते हैं वो करते हैं दोस्तों ऑक्सीडेज टेस्ट के द्वारा ये करते हैं तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ने अपना सेक्शन कटिंग मशीन इज ऑल्सो नाउनस तो यहाँ पे जो टिशू कटिंग के लिए जो हम यूज करते हैं सेक्शन कटिंग के लिए तो हिस्टोलॉजी का दोस्तों ये यहाँ पे क्वेश्चन है तो जिसमें हम टिशू को कट कर सेक्शन कट करने के लिए जो मशीन यूज करते हैं उसका नाम पूछा गया है ऑप्शन ए देख लेते हैं माइक्रोटॉम बी है स्टोमेट और सी है हिस्टोकट और डी ऑप्शन है हिस्टोफॉर्म तो दोस्तों यहाँ पे सेक्शन कटिंग के लिए जो हम मशीन यूज करते हैं हिस्टोलॉजी के अंदर उसको हम बोलते हैं दोस्तों माइक्रोटॉम क्या बोलते हैं माइक्रोटॉम कहते हैं उसको यानी ये ऑप्शन यहाँ पे राइट right हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लिपिड तो दोस्तों यहाँ पे एक इनकरेक्ट आपको स्टेटमेंट बताना है किसका लिपिड का एक बायोलॉजिकल फंक्शन का तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल तो ये, ये तो दोस्तों यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है हैवे प्रोटेक्टिव फंक्शन इन बैक्टीरिया प्लांट एंड इंसेक्ट ये भी राइट स्टेटमेंट है दोस्तों और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्रेनेस तो ये भी दोस्तों राइट हो जाएगा एक फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन है एग्जिबिट इंक्रीज कैटेलैटिक एक्टिविटी तो ये दोस्तों यहाँ पे ये डी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों रोंग हो जाएगा क्योंकि ये एंजाइम का यहाँ पे ये फंक्शन है दोस्तों तो लिपिड के जो तीन ही यहाँ पे मोस्ट फंक्शन है स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह काम करता है हैवी प्रोटेक्टिव फंक्शन की तरह बैक्टीरिया प्लांट और इंसेक्ट में करता है दोस्तों और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में मेम्रेन में भी यूज किया जाता है लेकिन दोस्तों एग्जिबिट इंक्रीज कैटे कैटेलेटिक एक्टिविटी में एंजाइम यूज करते हैं ना कि लिपिड तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनेबिलिटी टू राइट इज़ नाउन यानी दोस्तों एक इनेबिलिटी बताना है जो राइटिंग करने में यानी लिखने के लिए लिखने में उसकी इनेबिलिटी के लिए क्या बोलते हैं ये पूछा गया है तो ऑप्शन है एलेग्जिया और बी ऑप्शन है एपेशिया और सी ऑप्शन एग्राफिया और डी ऑप्शन है मायोपिया तो दोस्तों मायोपिया तो एक आँख से संबंधी डिसऑर्डर है दोस्तों और यहाँ पे एलेक्सिया में क्या होता है एलेक्सिया में लिखने और पढ़ने में भी इनेबिलिटी को क्या बोलते हैं एलेक्सिया बोलते हैं वहीं दोस्तों एक की हम बात करें एक यानी इनेबिलिटी ऑफ टू ब्राइट तो ये ग्राफिया दोस्तों यहाँ पे राइट right हो जाएगा कौन सा सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा कौन सा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इन विच कंडीशन देयर इज़ नो इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल तो दोस्तों आपको तो एक कंडीशन बताना है देयर नो इंक्रीज no जिसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता है ब्लड के अंदर दोस्तों तो यहाँ पे ऑप्शन देख लें हाइपर ग्लाइसीमिया एंड ग्लूकोसूरिया तो इसमें तो दोस्तों ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इसमें बढ़ जाता है रीनल ग्लाइसो ग्लायसूरिया तो रीनल ग्लाइसुरिया में क्या होता है दोस्तों रीनल ग्लाइसुरिया में आपकी जो यूरिन रहती है यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा आ, बढ़ जाती है जो रीनल ग्लाईसूरिया रहता है उस कंडीशन में क्या आपकी जो यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाता है यानी आपकी बॉडी में उस समय ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी ब्लड में तो कम हो जाएगी ए, लेकिन आपके यूरिन में यूरिन के थ्रू एक्सेट होगी तो ग्लूकोज़ तो उस उस कंडीशन को रीनल ग्लाइसूरिया के टे यानी यहाँ पे बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा वहीं एलिमेंट्री ग्लाइसूरिया की कंडीशन में भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है लेकिन जो रीनल ग्लाईसूरिया की कंडीशन में यूरिन के यूरिन में आपकी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है यूरिन के थ्रू यहाँ के एक्सिट होती है तो ब्लड में आपकी उस समय कम हो जाएगी ग्लूकोज लेवल तो यहाँ पे यही पूछा गया है इन विच कंडीशन देयर इज़ नो इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल तो ब्लड के ग्लूकोज लेवल में दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन दोस्तों इसमें इंक्रीज नहीं होगा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दी मोस्ट कॉमन कोस बैक्टीरिया सोर थो थेट इज तो दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से देख लेती है दी मोस्ट कॉमन यहाँ पे कॉज बैक्टीरियल सोर थ्रोट तो यहाँ पे जो थ्रॉट में दोस्तों कॉमन कोस कौन से बैक्टीरिया करते हैं ये पूछा गया है तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते ए है एस्टेप्टोक स्पायोजिनस बी है हिमोफिलियस इंफ्लुएंजा और सी ऑप्शन है बूथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा निमोनिया तो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट कॉमन कोज ऑफ बैक्टीरियल और थ्रोट तो थ्रोट में दोस्तों आपके कौन से बैक्टीरिया यहाँ पे डिसीज कोर्स करते हैं कॉमनली तो स्टेप्टोकोकस पायोजेनस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दोस्तों ये थ्रोट में आपको कोर्स करते हैं डिसीज लेकिन यहाँ पर माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया दोस्तों आपके केस में फेफड़ों में जो लंग्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं लेकिन आपका जो थ्रोट रहता है उसमें स्टेप्टोकोकस पायोजिनस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा दोस्तों कॉज करते हैं तो बूथ ए एंड बी दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिफोर परफॉर्मिंग एन रूटीन माइक्रोस्कोपी ऑन ए स्पेसिमेन दी यूरिन वुड बी तो दोस्तों यहाँ पे रूटीन माइक्रोस्कोपी के पहले जो हम यूरिन स्पेसिमेंट से आप टेस्ट को परफॉर्म करते हैं उसमें सबसे सब पहले आपको क्या रिक्वायर रहेगी क्या उसमें फिल्ट्रेट यूरिन यूज करेंगे या फिर ब्रॉड टू रूम टेम्परेचर पर एक आ, हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे या फिर सेंट्रीफ्यूज के बाद परफॉर्म करेंगे या बेल मिक्स्ड करके हम आ, यूज करेंगे तो बिफोर परफॉर्मिंग यानी टेस्ट से पहले रूटीन माइक्रोस्कोपी ऑन स्पेसिमेन दी यूरिन वुड बी तो हम दोस्तों बैल मिक्स यूज करते हैं अच्छी तरह उसको मिक्स करके ही हम उसका टेस्ट परफॉर्म करते हैं रूटीन माइक्रोस्कोपी करते हैं यानी डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें ऐसे ही क्वेश्चनों को लेके हम फिर से मिलते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच फ्रेंड